ब्रिगेडियर साहब, जैसे अभी मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी का माइंडसेट ये है कि वो पंजाब में अपना पॉलिटिकल स्टांस बहाल करना चाहते हैं, तो क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी को काफ लीग के साथ अगर इत्तेहाद होता है, इससे कोई सियासी फ़ायदा भी हासिल हो सकता है आने वाले वक्त में? देखिए जी, ये जो दो किसी वक्त जो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी, पीवीपी और पीएमएलएन, ये इन्होंने मजबूरी या पॉलिटिकल एक्सपीजेंसी की वजह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो 2006 में साइन कर ली थी, लेकिन इनके दोनों के आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये उस वक्त भी एक दूसरे के हरीफ थे और आज भी वो एक दूसरे के हरीफ हैं। पॉलिटिकल एक्सपीजेंसी की वजह से ये इकट्ठे हो जाते हैं। पीडीएम भी ये किसी प्यार और मोहब्बत की वजह से नहीं हुई, अपने अपने इनके मकासद थे, उसकी वजह से ये हुई। और वो आपने देखा होगा कि पीडीएम की जो मूवमेंट कॉन्फ्रेंस मूवमेंट की तरफ जो गामजन हुई, तो उसमें भी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट थे। आज भी इलेक्शन के लिहाज से उनके जो बयान है वो डिफरेंट है। अब मसला क्या हुआ है कि पहले जो है पीएमएलएन कहती थी कि पीपल्स पार्टी ने हमें 2006 के बाद जो हमने साइन करने के बिट्रे किया, 2013 इलेक्शन के रिजल्ट में पीपल पार्टी ने कहा कि हमें पीएमएलएन ने बिट्रे किया और हमें एक रीजनल पार्टी बना दिया। आज जो पीपल पार्टी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा नेशनल पार्टी बनूं, और वो नेशनल पार्टी वो उसी वक्त बन सकती है जबकि वो अपना खोया हुआ मकाम तो अगर नहीं, कम अज कम जो है वो जो है अच्छे खातर हुआ इन रोड जो है वो पंजाब में या साउथ पंजाब में और कुछ सीटें इनके साथ या सीट एडजस्टमेंट करके वो ले ले। लेकिन ये सीट एडजस्टमेंट में पीएमएलएन नहीं मानी, दोनों ने अपनी अपनी जारी रखी। अब इन्होंने जिस तरह के ये आईपीपी बन गई पीटीआई से, और वो दूसरी पार्टी जो अटक की बन गई, ये दोनों जो है पीपल पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं गए। और खासकर जो आईपीपी भी की जो है वो उनका तरीन की, ये पीपल पार्टी समझती है कि पीएमएलएन का जो है इसमें अमल दखल ये जरूर था, तो इसलिए अब वो उसने दूसरी जो है ना हलीफ जो है ढूंढना शुरू किए। पीएमएल क्यों एक अच्छी खासी एक यहाँ पर जमात थी, लेकिन वो अब दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, और जो उसका जो मेन स्टेज जो था जो परवेज इलाही वो इस वक्त तकरीबन इररिलेवेंट हो गया हुआ है, वो पीटीआई की तरफ को चला गया है। जो जहाँ तक जो शुजात का तल्लुक है वो एस्टेब्लिशमेंट का पहले भी बनता रहा, आज भी रहा, और वो ठीक हो गया।